जो भी मसले मसाइल हैं आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के पास जाएं। SHO किस लिए बैठा हुआ है, सब इंस्पेक्टर किस लिए बैठे हुए हैं, बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये नहीं कि पुलिस वालों को बाहर भेज दिया, ड्यूटी ऑन उन्होंने बुजुर्ग के कान पकड़े हैं और कत्ल कर दिया पुलिस वालों को, ये डिजर्व करता है पुलिस वाला, ऐसे करना नहीं चाहिए था। वैसे बुजुर्ग शहरी के बेटे ने दोनों पुलिस वालों को कत्ल, मेरी बात सुने सर, कौन बर्दाश्त करता है किसी का बाप सड़क पे लाके ऐसे काम करवाए कोई। मैं सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो जिसके बाप के साथ ऐसे हुआ है वो तो फिर ऐसी हरकत करेगा ही, मैं तो कहती हूँ उसने बहुत अच्छा किया। करें अगर पुलिस वाला, पुलिस कत्ल तो खैर नहीं करना चाहिए था, ठीक है उनसे पुलिस वालों से गलती हो गई थी, उन्होंने कहा कोई भी बच्चा कोई भी औलाद ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बाप को ऐसे, पता है पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में, पेरेंट्स दूसरा रब है। इस चीज के क्वेश्चन है पुलिस वालों से, क्या उनके अगर पेरेंट्स के साथ ऐसा होता वो क्या करते, और फिर वो जब वो अपनी सिचुएशन देख ले अपनी आंखों के सामने, फिर पुलिस वाला आके एक्सप्लेन करें कि कैसा लगता है, कैसा रवैया हमारी पंजाब पुलिस का। देखिए पंजाब पुलिस की तो बात ही ना करें, बहुत ही घटिया तरीन रवैया हो गया हमारी पाकिस्तान। अगर कोई भी मसले में मसाइल लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, बात सुनने के बजाय उल्टा उन पे FIR दर्ज करवा देते हैं। ये अपनी मौज मस्ती में फिलहाल लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए आवाम की मसाइल जो है उनको हल करें, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती, लेकिन आजकल सिर्फ टोटली रिश्वत चल रही है। पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा? नहीं मैं तो इसे नहीं कुछ समझता। अच्छा नहीं नहीं जी, कैसे आपने समझते? देखे ना ये कुछ ठीक काम कर ही नहीं रही है, मतलब कि जो ज्यादा गरीब होता है उसे ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जो बड़ा आदमी हो उसके आगे वो झुक जाते हैं पुलिस वाले, और जो गरीब हो उसे दबा लेते हैं। पंजाब पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। दे हैं लेकिन मुझे नजर नहीं आते। अच्छा जी, तो फिर क्या पैगाम है? और बुजुर्ग शहरी का ये जो बेटा था वो गुजर रहा था, जब उसने देखा कि मेरे वालिद साहब ने रोड के ऊपर कान पकड़े हुए हैं, तो घर पे गया उसने वेपन पकड़ा, असला ला के पिस्टल ला के पंजाब पुलिस के दोनों जवानों को शूट कर दिया, उसने अच्छा किया या गलत? वैसे तो उसने गलत किया, आप तो इस सिंपल सी बात बताते हैं, जो हमारे पंजाब पुलिस है ना, ये एक ऐसी पुलिस है, इनको पैसा लगाओ ये उस तरफ चले जाती है, इनको जिस तरफ से पैसा मिले उस तरफ, ये हाथ पर नहीं चलती, ये हाथ पर चले ना तो माने हम ये कानून है ये हम। आज ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं वन वीक पहले की बात है कि पंजाब पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग शहरी को जो है कान पकड़ा दिए, ऑन द रोड कान पकड़ा दिए, और सुनने में आ रहा है कि जब वो पंजाब पुलिस के जवानों ने उस बुजुर्ग शहरी के कान पकड़ाए तो उस बुजुर्ग शहरी का ही बेटा वहाँ से गुजर रहा था, जब उसने देखा कि मेरे वालिद साहब को पंजाब पुलिस के जवानों ने कान पकड़वाए हुए हैं, तो वो घर पर गया और घर जाके उसने वेपन पकड़ा और आके उन पंजाब पुलिस के जवानों को कत्ल कर दिया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो उस बच्चे को ऐसा नहीं भी करना चाहिए था, उसको दारों के पास जाने चाहिए था, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR कटवानी चाहिए थी, और अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस ने बुज़ुर्ग शहरी के ऊपर ऑन द रोड कान पकड़वा के अच्छा भी नहीं किया। क्या ऐसा गुनाह कर लिया था उस बुजुर्ग शहरी ने कि उसके ऑन द रोड कान पकड़ा दिए गए? आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस वाले से क्या राय देती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दीजिए। अनाया तहरीम। आपके तो नाम का मुझे पता है, आप खुद भी एक एंकर हैं। तहरीम आप तो स्टूडेंट हैं, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था। आज टॉपिक कुछ इस तरह से है कि वन वीक पहले जो है शेखपुरा का वकवा है कि वहाँ पे बुज़ुर्ग शहरी के पंजाब पुलिस ने ऑन द रोड कान पकड़ा दिए, उसी बुज़ुर्ग शहरी का बेटा गुजर रहा था, उसने जब देखा कि मेरे वालिद को पुलिस वालों ने कान पकड़ाए हुए हैं, तो वो घर पे गया उसने पिस्टल पकड़ा और आगे पुलिस वालों को शूट कर दिया और पुलिस वाले कत्ल हो गए। तो कैसा फैसला देख रही है, अच्छा किया उस बच्चे ने और पुलिस वाले, जो पुलिस वालों ने कान पकड़वाए बुज़ुर्ग शहरी के, क्या ये अच्छा किया या उस बच्चे ने अच्छा किया पुलिस वालों के? बच्चे ने अच्छा किया, बच्चे ने बहुत अच्छा किया। कौन बच्चा बर्दाश्त करेगा उसका बाप ऐसे सड़क पे कान पकड़े, खून नहीं खोलेगा किसी का भी, कोई तो भी देखेगा तो ऐसे ही बोलेगा। देखिए मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उसको के पुलिस वाले को, जिसने एक बुजुर्ग को सड़क पे ला के कान पकड़वाया, उसे शर्म नहीं आई, उसे अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया उसने कि वो एक बुजुर्ग है वाइट दाढ़ी वाले को सड़क पर आके कान पकड़ा रहा है। मैं तो बताएं कोई गलती थी उनकी? कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमें अभी तक पता नहीं चला कि क्या गलती थी। वट एवर अगर गलती थी भी तो कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आप ऑन द रोड उसे सजा दें। देखिए वैसे तो मैं पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि रोड पे बिल्कुल आप किसी के पेरेंट्स की ऐसे इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, तो किस बच्चे को गुस्सा नहीं आएगा, वो तो आके फिर सबको मारेगा ही ना, वो तो ऐसे भाई बीच से गुजरने वाला काम करेगा बच्चा, तो किसका खून नहीं खोलता आप मुझे ये बताएं। जी मेरी बात सुने, हमारे पाकिस्तानी
पुलिस ने ऐसा किया है। मुझे तो, मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को कि उसने इस उम्र का लिहाज नहीं किया बुजुर्ग के, कि भाई वो बुजुर्ग है, आप उन्हें रिस्पेक्ट देने के बजाय उसको सड़क पर ला के कान पकड़ा रहे हैं। हैरत की बात है, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी पुलिस को, शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी कोई गलती थी भी ना तो उन्हें सजा दे सकते थे, थाने ले जाते। हाँ, थाने ले जाते हैं, उनकी गलती थी, उन पे पर्चा करते, केस करते। पुलिस स्टेशन किस लिए नहीं था तो ऐसा करना? पुलिस स्टेशन किस लिए बना है? जो भी बात है, जो भी मसले मसाइल हैं, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के पास जाएं। एसएचओ किस लिए बैठा हुआ है? सब इंस्पेक्टर किस लिए बैठे हुए हैं? बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं? ये नहीं कि पुलिस वालों को बाहर भेज दिया, ड्यूटी ऑन उन्होंने बुजुर्ग के कान पकड़े हैं और कत्ल कर दिया पुलिस वालों को। ये डिजर्व करता है पुलिस वाला, ऐसे करना नहीं चाहिए था। वैसे बुजुर्ग शहरी के बेटे ने दोनों पुलिस वालों को कत्ल कर। मेरी बात सुने सर, कौन बर्दाश्त करता है किसी का बाप सड़क पे लाके ऐसे काम करवाए कोई? मैं सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो जिसके बाप के साथ ऐसे हुआ है वो तो फिर ऐसी हरकत करेगा ही। मैं तो कहती हूँ उसने बहुत अच्छा फर्ज करे। अगर पुलिस वाला, पुलिस कत्ल तो खैर नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उनसे पुलिस वालों से गलती हो गई थी, उन्होंने कहा। कोई भी बच्चा, कोई भी औलाद ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बाप को ऐसे। कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में, पेरेंट्स दूसरा रब है। इस चीज के मैं, मेरी बात सुनिए, अगर फर्ज करें आप, अगर पुलिस वालों के बाप के साथ ऐसा होता, पुलिस वाला तो उसे जीते जी मार देता। पुलिस वाले ने जाना था, जाते ही फायर निकाल के उसको ठोकना था, तो क्या किसी के साथ हुआ है वो ना आगे ऐसे करें? मतलब पुलिस वाले के बाप के साथ अगर कोई ऐसा करता तो वो भी जाए। फर्ज करें अगर पुलिस वाले के बाप के साथ कल को हो जाए और पुलिस वाला सामने से गुजर है और वो देख रहा है कि उसी के बाप को सड़क पे लाके कान पकड़ाया जा रहा है, पुलिस वाले को गुस्सा नहीं आएगा? उसका बाप है यार, गुस्सा नहीं आएगा? बताया ना, ये हमारा क्वेश्चन है पुलिस वाले से, क्या उनके अगर पेरेंट्स के साथ ऐसा होता वो क्या करते? और फिर वो जब वो अपनी सिचुएशन देख ले अपनी आंखों के सामने, फिर पुलिस वाला आके एक्सप्लेन करें कि कैसा लगता है, कैसा रवैया हमारी पंजाब पुलिस का। देखिए पंजाब पुलिस की तो बात ही ना करें, बहुत ही घटिया तरीन रवैया हो गया हमारी पाकिस्तान। अगर कोई भी मसले में मसाइल लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, बात सुनने के बजाय उल्टा उन पे एफआई दर्ज करवा देते हैं। ये अपनी मौज मस्ती में फिलहाल लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए आवाम की मसाइल जो है उनको हल करें, लेकिन वो अपने ही मौज मस्ती। लेकिन आजकल सिर्फ टोटली रिश्वत चल रही है पुलिस स्टेशन में, टोटली रिश्वत। रिश्वत दो तो अपना काम करवाओ। अच्छे अफसरान भी हैं पंजाब, अच्छे अफसरान हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन वो आपने सुना नहीं कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है? ये सिचुएशन हो गई हमारे पाकिस्तानी पुलिस। जैसा कि आप जानते हैं बुजुर्ग शहरी का वाकया शेखुपुरे वाला, पुलिस वालों ने 20 सड़े के कान पकड़ा दिए बुजुर्ग शहरी को। बुजुर्ग शहरी का बेटा आता है, जाता है घर में, जब देखता है कि उसने मेरे वालिद साहब को कान पकड़ाए हुए, घर पे जाके वेपन लाता है और पुलिस वालों को शूट कर देता है। क्या अच्छा किया उसने शूट करके पुलिस वालों को, और पुलिस वालों ने भी अच्छा किया बुजुर्ग शहरी को कान पकड़वा के? नहीं, देखा जाए तो वो लड़के ने अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है, क्योंकि देखे ना कि एक कोई भी बंदा अपने वालिद साहब को ऐसे नहीं देख सकता, जैसा मर्जी भी हो ना वो नहीं देख सकता, उसे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने शूट कर दिया। क्या हमारा कानून इतने ही अंधा है या इतने लाजवाब हो गया कि सड़कों में फैसले होना शुरू हो गए? देखा जाए ना, आपने पहले ये वाक्य सुना होगा बावल नगर वाला, उधर भी इन्होंने ऐसे ही काम किया था, उधर भी छितर पड़े हैं। अब ये कंज्यूमर, ये जो रास्ते में निकले आए थे ख्वाजा सरा, जी जी, तो ये मुझे नहीं लगता ये कानून अच्छा कर रहा है। सर ख्वाजा सरा किसी फंक्शन से आ रहे थे, जी जी, पुलिस वालों ने उनसे पैसे भी ले लिए, थाने में जाके जनाब भी किया उनसे, जी जी, और उल्टा जो है ये पैसे लेकर ऐसा काम करना, पंजाब पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा? नहीं, मैं तो इसे नहीं कुछ समझता। अच्छा, नहीं नहीं जी, कैसे आपने समझते? देखिए ना, ये कुछ ठीक काम कर ही नहीं रही है, मतलब कि जो ज़्यादा गरीब होता है उसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जो बड़ा आदमी हो उसके आगे वो झुक जाते हैं पुलिस वाले, और जो गरीब हो उसे दबा लेते हैं। पंजाब पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। दे हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आते। अच्छा जी, तो फिर क्या पैगाम है पंजाब पुलिस को आपका? यही कि अपने आप को सीधा करें, सही करें और कुछ बेहतरी करें, ताकि आवाम को भी पता चले कि हमारा कानून जिंदा है। और जिनके माँ के लाल चले गए दुनिया से, पंजाब पुलिस के जवान चले गए, उनका क्या कसूर था, उनके वालदैन का क्या कसूर? नहीं, कसूर तो उनका कोई भी नहीं था, बस हमारा कानून ही ऐसा है, हमें कानून सही करना चाहिए, बस कानून सही। जी 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 जी, कानून तो तभी सही होगा ना जब कानून के रखवाले खुद ठीक होंगे। ठीक होगा, क्या ख्याल है? बस ये गवर्नमेंट ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट का क्या अमल दरामद है? क्यों, गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो ये सीधे होंगे ना। हाँ, गवर्नमेंट ने तो बस इन्हें छोड़ दिया है, तो ये जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सुन नहीं रहे। अगर गवर्नमेंट कोई प्रेशर डालेगी इनके ऊपर, कुछ एक्शन लेगी, तो फिर ये सीधे होंगे ना। मैंने काफ़ी थानों में देखा, थानों में हवालात के अंदर काफ़ी कैदी जो हैं
बंद है अपने अपने मामलात लेके, उन्हें जो है खाना नहीं मिलता, कोई मुलाकात के लिए आए वो जो संतरी बैठा हुआ थाने में वो उनसे हज़ारों रुपए ले रहे हैं, तनख्वाह के अलावा जो है हज़ारों रुपए इनके जेबों में जा रहे हैं जी जी। क्या हमारे और आपके टैक्स का पैसा इन्हें नहीं मिल रहा, इन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं? मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, हमारी जेब से जा रहा है। हाँ, फिर ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, चंद काली भेड़े बीच में हैं जी जी, तो क्या बनेगा इन काली भेड़ों का, कैसे चेंज हो पाएगा? ना जब तक हमारे, मैंने पहले भी आपको बोला है, जब तक हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी ना तो ये कुछ भी सिस्टम सही नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहे तो सब ठीक हो, सब 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 सही हो सकता है। आपने जो है चंद दिन पहले जो सानिया हुआ शेखुपुरा में, बुजुर्ग शहरी को जो है रोड के ऊपर कान पकड़वा दिए पंजाब पुलिस ने, और बुजुर्ग शहरी का ये जो बेटा था वो गुजर रहा था, जब उसने देखा कि मेरे वालिद साहब ने रोड के ऊपर कान पकड़े हुए हैं तो घर पे गया, उसने वेपन पकड़ा, असला ला के, पिस्टल ला के पंजाब पुलिस के दोनों जवानों को शूट कर दिया, उसने अच्छा किया या गलत? वैसे तो उसने गलत किया, आप तो इस सिंपल सी बात बताते हैं, जो हमारे पंजाब पुलिस है ना, ये एक ऐसी पुलिस है, इनको पैसा लगाओ ये उस तरफ चले जाती है, इनको जिस तरफ से पैसा मिले उस तरफ, ये हद पर नहीं चलती, ये हद पर चले ना तो माने हम, ये कानून है, ये हमारे जो उस्मान बने बैठे हैं जो कहते हैं लाहौर नवाज शरीफ का, ये नहीं सही करते, इनको चाहिए कानून ऐसा बनाए गरीब के लिए भी एक हो और अमीर के लिए भी। आप सल्लम ने जैसे फरमाया, एक औरत ने जैसे चोरी की थी तो फरमाइश लेके आई थी, तो आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी बहन फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट ले देता, तो इन्होंने अच्छा नहीं किया। अरे मेरा बाप होता ना वहाँ तो हमें भी तकलीफ होनी थी, हमारा बाप जान पटवी बैठा है, आपको भी तकलीफ होनी थी। हाँ जी, अगर क्यों? आपके वाले साहब के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते थे? हम पुलिस वालों को छोड़ना नहीं था, वैसे देखा जाए इन्होंने गलत किया, तो नहीं मारनी चाहिए, गोली नहीं मार, वो बच्चे से अब गलती हो रही तो वो हम मानते हैं, मगर उसके वालिद साहब से ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके वालिद साहब के साथ भी ज्यादती हुई है? जी, बहुत बड़ी ज्यादती हुई, मतलब पुलिस वालों को चाहिए था थाने में ले जाते, को उन्होंने जुर्म किया था। उधर जाते अपना मामला किए, सड़क पर कान पर जाना अच्छी बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, उनकी वालिद साहब से कुछ ऐसा होता तो वो बर्दाश्त करते क्या? अगर पंजाब पुलिस का कोई जवान के वालिद साहब के साथ ऐसा होता तो वो बर्दाश्त करते? मुझे ये तो अब अपना पंजाब पुलिस वाले के जवान ही बताएंगे, आईजी पंजाब भी बताए ना, जिसने ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, आईजी पंजाब से आप सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि ये पंजाब पुलिस ने अच्छा किया कान पकड़वा जी, जो खड़ी बाज जैसे पैसे दो तो उस तरफ हो जाए तो उनके लिए फिर जैसा काम है जी, मतलब पुलिस वालों को पैसे दो तो जो मर्जी करवा जी, इनको चाहिए हाथ पर चलना, गरीब के लिए भी वो सजा हो, अमीर के लिए भी। वेरी गुड, पंजाब पुलिस को चाहिए गरीब बंदे के लिए एक जैसा कानून और अमीर के लिए भी एक जैसा कानून करना चाहिए इन्हें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज सर, सामने देखना जी जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं वन वीक पहले की एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, बुजुर्ग शहरी को जो है पंजाब पुलिस के जवानों ने ऑन द रोड कान पकड़वा दिए, उस बुजुर्ग शहरी का बेटा घर गया, उसने वेपन पकड़ा और पुलिस वालों को कत्ल कर दिया, क्या किया, क्या बेटे ने अच्छा किया या पुलिस वालों ने अच्छा किया कान पकड़वा? पहली बात यह है कि बुजुर्ग शहरी हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट है सबकी। हाँ। ठीक है ना जी, तो पुलिस वालों को भी ख्याल करना चाहिए था, और दूसरा बेटे का जो अमल है वो भी गलत है, वो भी गलत है, अदारों के पास जाता है, बिल्कुल अदारे। हाँ जी, हमारा एक अदालतें हैं, कानून है, उनके पास जाएँ, लेकिन अदालतें को भी चाहिए कि फौरी इंसाफ दिया करें ताकि आवाम को अदालतों पे अतमाद हो। वेरी गुड, और कुछ भी मतलब कोई मसला हो सीधे अदालत जाएं, कानून का सहारा लें, जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आवाम मुश्किल है कि इस तरह के फैसले करे। जाहिर सी बात है, वही अगर पुलिस मुलाजम का कोई बाप होता और उसके बाप के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया होता किसी इदारों ने, तो क्या पुलिस वालों से ये बर्दाश्त होना हो पाना था? किसी से भी नहीं बर्दाश्त होता जी, क्यों करे कोई बर्दाश्त। हाँ।